महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के 31वें छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आर्थिक तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए विद्या भारती सभागार गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की और छात्रवृत्तियां वितरित की। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष व श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कार्यक्रम में विशेष तौर पर शिरकत करते हुए आशीर्वाद एवं प्रेरणा दी, जबकि श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के प्रधान सत्यप्रकाश गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर मंच पर समाज सेवी विपिन जिंदल, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीकर, श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के प्रधान सत्यप्रकाश गुप्ता, विद्या भारती के निदेशक रामेंद्र सिंह भी विराजमान रहे। मुख्य अतिथि सांसद नवीन जिंदल ने महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना मैसी के समाज को शिक्षित करने के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में यही समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं को शिक्षा के साथ सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। समाज में प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे पैसे की कमी से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिंदल ने कहा कि मैसी समाज के आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें उच्च पदों पर पहुंचाने में भी सहयोग कर रही है। संस्था के कार्य वास्तव में प्रेरणादायक है। श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष व श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ग्रहण करना केवल कागजी प्रमाण पत्र हासिल करना नहीं है, शिक्षा ग्रहण करना उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। शिक्षा ग्रहण करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में जहां शिक्षा का अहम योगदान है, वहीं देश के विकास एवं अर्थव्यवस्था में भी शिक्षा का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना संस्था समाज को शिक्षित कर मजबूत करने में सराहनीय कार्य कर रही है, जो शिक्षा के अधिकार को भी सम्मान के साथ प्रदान कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के अध्यक्ष सत्यप्रकाश गुप्ता ने कहा कि मैसी समाज में एक सम्मान के साथ बच्चों को उन्नति के मार्ग पर प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में 102 बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, दसवीं परीक्षा की मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन डॉक्टर मोहित गुप्ता ने किया। मैसी के प्रधान मुनीश मित्तल गुप्ता एवं महासचिव संजीव गर्ग ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। संस्था की तरफ से कपिल मित्तल ने अतिथियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान विनय गुप्ता, कपिल मित्तल, अशोक गर्ग, प्रमोद बंसल, बीबी जिंदल, ब्रिज जिंदल, विजय गर्ग, विपिन गर्ग, श्रीकांत बंसल तथा अजय गुप्ता इत्यादि ने सहयोग किया। मैसी के मुख्य व्यवस्थापक राजेश सिंगला ने पिछले 13 सालों में मैसी की गतिविधियों और उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अशोक गुप्ता, रवि अग्रवाल, मुकेश मित्तल, प्रवीण मित्तल, अजय गोयल निदेशक तिरुपति ग्रुप, रमेश गोयल प्रबंध निदेशक गोया एग्रो, कपूरचंद गर्ग, अजय गुप्ता, शुभम सिंगला, डॉक्टर मालाराम बंसल, सुमित गर्ग, वरुण गुप्ता, श्रीकांत बंसल, सुधीर कंसल, रमेश गुप्ता, पवन गर्ग, राजन गुप्ता, डीके गुप्ता, सुशील अग्रवाल, नरेश सिंगला, राजन जिंदल, सचिन गुप्ता प्रधान सेक्टर 5 अग्रवाल सभा, रोहित गुप्ता उपप्रधान, राजीव गोयल प्रधान अनाज मंडी पिपली, डॉक्टर पीसी मंगल, भूषण मंगला, श्रवण गुप्ता निदेशक, एसएन गुप्ता, संजय गर्ग, विवेक गुप्ता, विवेक भारद्वाज, अश्विनी जैन, संजीव सिकरी, श्री राम कुमार सिंगला, राजकुमार मित्तल, अमित गोयल, विनोद गर्ग, सुभाष गर्ग, मंजू सिंगला, पिंकी जैन, अंजू बंसल, रेणु गुप्ता, स्वाति मंगल, रश्मि गुप्ता, विनोद अग्रवाल, श्रीनिवास गोयल, पवन गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद सैनी, प्रवीण गोयल इत्यादि मौजूद रहे।